अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे मेरे भाई लोग। भाई आज की ये वीडियो हम बनाएंगे, जो गल्फ कंट्री पहली बार जाते हैं तो उनके दिमाग में एक ही सवाल रहता है कि अगर हम एयरपोर्ट पे जाएंगे तो हमको पहचानेंगे वो कैसे, वो हमको रिसीव कैसे करेंगे और क्या क्या प्रोसेस होता है एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद बाहर एग्जिट लेने के लिए। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल से और पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप कुवैत जाते हो तो एयरपोर्ट पे आपको एग्जिट कैसे मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। इस चैनल पे जो फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। जा रहे हो पहली बार तो आपको एग्जिट कैसे वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि बहुत भाइयों का सवाल यही रहता है कि भाई अगर हम एयरपोर्ट पे जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कोई और हमको मतलब बुला के लेके चला जाए और हमारा पासपोर्ट ले ले फिर हम वहाँ पे फंस जाएं और बकरी के काम में छोड़ दे या कोई से भी काम में छोड़ दे। तो ऐसा मेरे भाई नहीं है कुवैत एयरपोर्ट पे। कुवैत एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है। वहाँ पर आप जब जाओगे कुवैत एयरपोर्ट पर तो आप जैसे प्लेन से उतरोगे, उतरने के बाद दोस्तों फिर लाइन लगती है। वहाँ पे लाइन लगने के बाद आपका मतलब पासपोर्ट चेक करेंगे, इमिग्रेशन चेक करते हैं। इमिग्रेशन चेक करने के बाद आपके पासपोर्ट पे स्टंप लगाएंगे और जो रिटर्न होते हैं, जो मतलब पुराने होते हैं उनकी एक लाइन अलग होती है और जो नए बंदे होते हैं जो पहली बार जाते हैं उनकी लाइन अलग होती है। तो जो पुराने होते हैं, पुराने का मतलब ये हुआ कि जो छुट्टी गए हैं, छुट्टी काट के वापस आ रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट निकाल दिया जाता है बाहर। उनका मतलब फिंगर और कोई मतलब वो चेक नहीं करते, उनको नहीं रोकते। और जो पहली बार जाते हैं उनको रोकते हैं। उनको क्यों रोकते हैं, उनका बस माँ फिंगर लेते हैं, उनका पूरा प्रोसेस वहाँ पे होता है, पूरा डिटेल आपका वो लेंगे। तो जो नए लोग जाते हैं तो वो मतलब कैसे निकलेंगे, तो दोस्तों आप जब एयरप्लेन से बाहर निकलोगे, प्लेन से बाहर निकलने के बाद आपकी एक लाइन मतलब आप लोग की एक लाइन लगेगी, जो नए बंदे होते हैं उन लोगों की लाइन लगती है। वहाँ पे लाइन लगेंगे, पासपोर्ट चेक करेंगे, पासपोर्ट चेक करने के बाद फिर कुवैत एयरपोर्ट पे एक बेस्टमेंट में लेके जाएंगे। बेस्टमेंट में वहाँ पे आपको बैठा लेंगे, बैठाने के बाद वहाँ पे आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, फिंगर लेंगे। तकरीबन उसमें एक से डेढ़ घंटे का तकरीबन टाइम लगता है, इससे नीचे नहीं लगता है। एक से डेढ़ घंटे का टाइम उस फिंगर में वो लोग लगाते हैं, क्योंकि लोग बहुत आलसी होते हैं ना। तो फिंगर होने के बाद दोस्तों फिर आपको ऊपर केबिन में भेज देंगे। ऊपर केबिन में आपको भेजेंगे, वहाँ पे आपका पासपोर्ट वीज़ा सब जमा कर लेंगे वो काउंटर वाले। वो फिर आपको नहीं देंगे जब तक कि आपका कफील या आपका कोई मतलब यार दोस्त जो मतलब वीज़ा निकाल के आपको दिया है वो नहीं आएगा। और एक बात और है, आपका दोस्त या भाई कोई भी है कोई ले नहीं जा सकता वहाँ से, जब तक कि आपका वीज़ा जिस नाम से निकला है, जैसे कंपनी के नाम से निकला है तो कंपनी वाला अपना कार्ड लेकर आए, अगर कफील ने निकाला है तो कफील अपना पताका लेकर आए कार्ड, वो कार्ड लेकर के आएगा फिर काउंटर पे देगा। काउंटर पे देने के बाद फिर 5 दिनार उसको देना रहता है वहाँ पर, वो 5 दिनार उसको देगा काउंटर पे। 5 दिनार देने के बाद फिर कुवैती के ही हाथ में सारा डॉक्यूमेंट्स देंगे, आपके हाथ में नहीं देंगे। आपको वहाँ पर बैठा ले रखेंगे, आप वहीं पे बैठे रहो, आपको बैठा ले रखेंगे, आपको नहीं देंगे कोई भी पेपर नहीं देंगे। आप वहीं पे 1 घंटा बैठो, 2 घंटा, जब तक के मतलब वो आता नहीं है, आपका मतलब मालिक या आपका बॉस नहीं आता है, तब तक कि आपको मतलब बाहर नहीं निकालेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो नए बंदे होते हैं वो हो जाते हैं परेशान। तो दोस्तों वहाँ पर वाईफाई भी फ्री रहता है, मतलब वहाँ पर वाईफाई फ्री रहता है, आप वाईफाई कनेक्ट करना मालूम होना चाहिए। वहाँ पर कनेक्ट कर लो आप वाईफाई, आप बात कर लो या आप अपने दोस्त यारों से जब तक के बात करते रहो, वहाँ पे वाईफाई फ्री रहता है, आप अपने दोस्त यार के पास फ़ोन करके बात करो जब तक के मतलब वहाँ पे आपको बैठा लेंगे, जब तक के तब तक के आप बैठे रहो। उसके बाद आपका कंपनी वाला या आपका बॉस आएगा कार्ड लेकर के, कार्ड बहुत ज़रूरी लाद, बगैर कार्ड के आप निकल ही नहीं सकते, एयरपोर्ट के बाहर निकल नहीं सकते। अच्छा सऊदी में क्या होता है कि अगर आप एयरपोर्ट से एक बार आपका इमिग्रेशन चेक हो गया और स्टंप लग गया तो आपको तुरंत बाहर निकाल देंगे, तुरंत आपको बाहर निकाल देंगे कि आपका काम ख़त्म हो गया, आप जाओ। लेकिन कुवैत में ऐसा सिस्टम नहीं है, कुवैत में बहुत हाई क्वालिटी की, कुवैत में बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी है भाई। कुवैत में भाई ऐसा सिस्टम नहीं है, कुवैत में क्या होता है कि आप जब जाओगे पहली बार तो आपको बैठा रखेंगे, आप ही नहीं बैठोगे वहाँ पर, काफ़ी लोग बैठे रहते हैं,
समझे। तो जिन जिन के कफील आते हैं, कार्ड अपना लेकर आते हैं, वो 5 दिनार काउंटर पे देते हैं, सारे पेपर उनको कफील के हाथ में दे देते हैं या बॉस के हाथ में जो कंपनी वाला होता है उसके हाथ में दे देंगे। या अगर कफील का कार्ड हो, आप ऐसे हाउस बॉय में जाते हो तो कफील का कार्ड हो और आपका कोई भी मतलब दोस्त यार हो, वो भी आके रिसीव कर सकता है, लेकिन कार्ड होना चाहिए। मालूम है, जब आप सारा मतलब वो कार्ड लेकर आओगे, उनको दिखाओगे, तभी आपको वो बाहर रिसीविंग का देंगे। तो ये होता है कुवैत एयरपोर्ट की प्रोसेस। मतलब आप डायरेक्ट नहीं निकल सकते वहाँ पे कार्ड बहुत ज़रूरी रहता है, बगैर कार्ड के आप बाहर नहीं निकल सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई, इस चैनल पर हम फर्स्ट टाइम है और बोलने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है भाई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को भाई। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके बाय।